जी भाभी, बताएं ऐसी कौन सी बात है जो आप कुछ के सामने नहीं करना चाह रहे। बात दरअसल ये है छोटे साहब के, गर्मी गर्मी देखे ना कितनी पड़ गई है आजकल। जाहिर है, अब गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन ये मौसम जहां इतनी गर्मी लेकर आता है, वहीं इतने रंग भरे फूल, इतने मजे के फल जो सिर्फ गर्मी के मौसम में मिलते हैं, नहीं? छोटे साहब, हम गरीबों के लिए ये गर्मी का मौसम रंगों की जगह अंधेरे लेकर आता है और मौसमी फलों की जगह सिर्फ प्यास। क्या मतलब? मतलब ये कि जब बत्ती चली जाती है ना तो गर्मी में दम घुटना शुरू हो जाता है और रही सही कसर ये मच्छर खून पी पी के निकाल देते हैं। हम गरीबों के लिए सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता इस मौसम में, ठंडा पानी तक नहीं होता। कहने को फ्रिज है हमारे पास पर खराब पड़ा है। अब ये देखे ना, डेकोर करने के लिए खौलता हुआ पानी लिए बैठी, दिल की तसल्ली के लिए रखा हुआ है। और ये जो छत पे पंखा लगा नजर आ रहा है ना आपको, इसकी पंखड़ियां सिर्फ चक्कर खाती रहती हैं। हराम है जो एक पत्ता तक हिल जाए छोटे साहब। मैं तो बस उस दिन से डरती हूँ छोटे साहब कि किसी दिन लाडो और आप हमारे घर रुकने आ गए, ना हमारे पास कमरा ठंडा करने की मशीन है ना ही पानी ठंडा करने की। आप तो इतने अमीर हैं, आपको तो पंखे की हवा की आदत भी नहीं होगी ना। तो आप ये सारा सामान खरीद क्यों नहीं लेते हैं? ऐसा सामान छोटे साहब क्यों गरीबों के साथ मजाक करते। अरे हमारे पास तो बर्फ तक लाने के पैसे नहीं होते कि पानी ठंडा करके पी ले, और आप नए सामान की बात कर रहे हैं। आप पैसों की फिक्र ना करें, आपको घर की जरूरत के लिए जो भी चीजें चाहिए आप ले लें। आप ऐसे करें ना, एक नया फ्रिज, नया एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव भी ले लें। बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि खुद उन्हें कॉल कर लेता हूँ, आप बस जाकर ये सामान ले लें वहाँ। चलें, फिलहाल तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। अरे नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये टेकोर से ठीक हो जाऊंगी। सच पूछे तो नए सामान की खुशी में आधा बुखार तो रफू चक्कर हो गया मेरा। चले मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमेशा अल्लाह ही हाफिज़ रहे छोटे साहब तुम्हारा। अरे ताकि तुम इसी तरह हम गरीबों पे मेहरबानियां करते रहो। चल भाई किश्वर, तेरे भाग जाग गए।